अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर सज्जाद अली है और मैं एज अ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट काम करता हूँ मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में। जैसे कि आपको पता है, जनवरी का महीना हम थायराइड अवेयरनेस मंथ मना रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो थायराइड और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमें पता है कि थायराइड जिस्म के सारे ही फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, चाहे ब्रेन हो, चाहे पेट हो, चाहे मेटाबॉलिज्म हो, इसी तरह थायराइड की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो अगर हम देखें ख्वातीन में जो यंग एज में थायराइड की अगर डिस्फंक्शन हो, यानी थायराइड सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो, तो उसकी वजह से पीरियड्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि पीरियड्स का कम हो जाना, पीरियड्स का ज़्यादा हो जाना और बहुत ज़्यादा हेवी पीरियड्स का हो जाना। फिर उसके बाद जब किसी की शादी होती है और शादी के बाद जब कंसीव करने या बच्चे के लिए ट्राई कर रहे होते हैं कपल्स, उसमें अक्सर लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं और उसमें थायराइड का लेवल ऑप्टिमल होना या थायराइड का लेवल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा हो और किसी वजह से अगर नहीं हो पा रही हो, तो अपने थायराइड को ज़रूर चेक करवा लें। अगर उसमें मामूली से भी कोई प्रॉब्लम होती है या मामूली भी कोई चेंजेस आती हैं, तो वो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। थायराइड का जिस तरह हमें पता है कि थायराइड में अगर कोई प्रॉब्लम्स हों, तो वो प्रेगनेंसी में दोनों माँ और बच्चों को दोनों को इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर हम देखें तो जिस तरह मिसकैरेजेस का होना या वक्त से पहले बच्चे का पैदा होना, प्री मैच्योर या लेबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होना, या प्रेगनेंसी इट्सेल्फ यानी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी जिसमें ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल होना, तो ये सारी चीज़ें उन लोगों में ज़्यादा कॉमनली हम देखते हैं जिनको थायराइड के प्रॉब्लम्स हों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई किसी को थायराइड का मामला डायग्नोस हो जाए, चाहे हाइपोथायराइड हो चाहे हाइपरथायराइड हो, तो ताकि हम मेडिसिंस उनकी ऑप्टिमाइज कर सकें। कुछ मेडिसिंस पर्टिकुलर होती हैं जो कि हम प्रेगनेंसी में देते हैं और जो कि नॉर्मल हालात में, यानी कि नॉर्मल हालात में जो दवाइयाँ देते हैं, वो हम प्रेगनेंसी में दवाइयाँ मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द जेस्टेशनल एज या प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन होती है उस मुताबिक हम ड्यूरेशन उसको चेंज करते हैं मेडिसिंस को। उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद फिर हमें थायराइड को मॉनिटर करना ज़रूरी होता है, जो कि बच्चे और माँ के लिए दोनों के लिए ज़रूरी हो। और बास टाइम हम ये कि बच्चे को भी हम ज़रूर चेक करते हैं ताकि ये देखा जा सके कि माँ के थायराइड की वजह से कहीं बच्चे पे कोई असर तो नहीं हुआ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली उन कपल्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनको थायराइड के इश्यूज हों और वो कंसीव करना चाह रहे हों, तो उनको चाहिए कि अपने जिस तरह दूसरी चीज़ें चेक की जाती हैं, इसी तरह थायराइड को ऑप्टिमल रखें और ताकि इसका इम्पैक्ट प्रेगनेंसी पे या बच्चे पे ना पड़े। थैंक यू सो मच।